प्रिय बंधुओं, परसों 14 अप्रैल 2012 को बाबा साहेब भीमराव अंबेडकर जी के जन्मोत्सव पर मैं अपने परिवार समेत दलित प्रेरणा स्थल नोएडा उत्तर प्रदेश गया। राष्ट्रद्रोही सोच रखने वाली मीडिया और ऐसे ही असामाजिक एवं राष्ट्र विद्रोहियों द्वारा जो दलित स्मारक पार्क व मायावती जी की मूर्तियों को लेकर हो हल्ला मचाया जा रहा है, वह सब भी मेरे दिमाग में उसी तरह घूम रहा था जैसे कि किसी आम आदमी के दिमाग में घूमता हो। एक आम आदमी जो कि मीडिया द्वारा फैलाए जा रहे इस दुष्प्रचार का शिकार होकर बगैर देखे ही उस अंधे के समान हो जाता है जिसकी माथे के नीचे आंखें तो होती है पर माथे में दिमाग नाम की चीज नहीं होती, और अंधा होने पर वह खुद को दार्शनिक समझने लगता है पर यह नहीं सोचता कि किसी दार्शनिक की भांति उसने कल्पनाओं एवं परिकल्पनाओं की सही तरह से जांच पड़ताल की है या नहीं। खैर, अभी तक मैंने दलित प्रेरणा स्थल बाहर से ही देखा था और उत्सुकतावश मैं अत्यंत ही उत्साहित था और मेरे परिवार के सदस्यों में भी यह उत्सुकता थी। बाहर से तो अब तक यह अच्छा ही लगता था और अंदर से भी उतना ही आकर्षक, भव्य एवं सौहार्दपूर्ण प्रतीत हुआ। अंदर घुसते ही सही बताऊं तो मेरी शंकाएं एकदम दूर हो गई और समझ गया कि यह स्मारक एक राजनीतिक षड्यंत्र का शिकार हो चुका है। जिन हाथियों का मजाक उड़ाया जा रहा है वह बहुत ही आकर्षक एवं कलापूर्ण लगते हैं और बीएसपी के चुनाव चिन्ह वाले हाथी से अलग हैं। जहां तक बीएसपी के हाथी बन सकते हैं या नहीं इस बात पर न जाते हुए मैं हाथियों के विषय में दिए अपने मत पर अडिग हूँ कि यह चुनाव चिन्ह के हाथियों से अलग है, और अगर कोई इसमें भेद नहीं कर सकता तो मैं उसकी बुद्धि कमजोर ही मानूंगा या उसकी मंशा गलत समझूंगा। पाक की विशालता को लेकर जो राजनीतिक स्वांग रचा जा रहा है वह सरासर झूठा है। पार्क कोई बहुत बड़ा पार्क नहीं है, इससे बड़े बड़े पार्क दिल्ली में कईयों हैं और बंबई में तो लोग पार्कों के लिए तरस जाते हैं। सो एक तो यह कि पार्क वाकई में खूबसूरत है, कलात्मक है और बहुत अच्छे ढंग से बनाया गया है और इसे जल्द से जल्द आम जनता के लिए खोल देना चाहिए और सब अवश्य ही इसका आनंद उठाएंगे। सामने मुख्य भवन दिखा और मैं उसकी सीढ़ियां चढ़ने लगा। भवन की सीढ़ियां इतनी अच्छी बनाई हुई हैं कि मेरी माता जी और नानी जी, जिन्हें की घुटने की समस्या है, वह अच्छे से चढ़ पाई। भवन दूर से जितना आकर्षक लगा था पास जाकर भी उतना ही भव्य लगा और कलात्मकता भी बरकरार रही। भवन परिसर में मुझे कुल मिलाकर मायावती जी की एक मूर्ति नजर आई। एक प्रांगण में उनके जीवन की कुछ झांकियां एवं उनके माता पिता को तराशे हुए पत्थरों पर दिखाया है और शेष प्रांगणों में बाबा साहेब अम्बेडकर, काशीराम जी एवं अन्य राष्ट्र भक्तों के जीवन को तराश पत्थरों पर दिखाया है। यहीं से देशद्रोही मीडिया और ऐसे तत्वों का इंद्रजाल भंग होता है जिसके जरिए मायावती जी को बदनाम किया गया। मायावती जी की भवन में एक मूर्ति है, सो वह भी बाबा साहेब की किसी शिष्या की भांति और काशीराम जी के साथ, जिन्हें भी बाबा साहेब के शिष्य के रूप में दिखाया गया है। मायावती जी के माँ बाप का एक पत्थर पर तराशा हुआ चित्र कोई बुरा नहीं है और ना ही उसे परिवारवाद की स्थापना करता हुआ कह सकते हैं, बल्कि मायावती जी का अपने माँ बाप के प्रति आदर ही समर्पित करता है और इससे ज्यादा कुछ और नहीं। बाहर बने फवारे, बाबा साहेब की विशाल प्रतिमा और अशोक स्तंभ समान स्तंभ आकर्षक लगते हैं। कुल मिलाकर मेरा दलित प्रेरणा स्थल नोएडा का भ्रमण सफल रहा और मुझे काफी आनंद भी आया। मैं इससे ज्यादा यही कहूंगा कि हमें जल्द से जल्द इसे आम जनता के लिए खोल देना चाहिए जिससे कि वह इसका आनंद उठा सके और सामाजिक एवं राजनीतिक शिक्षा भी ले सके। डॉक्टर अंबेडकर, मायावती जी या काशीराम जी इस देश के प्रमुख राष्ट्र नायकों में से हैं, सो उनके इतिहास को आने वाली पीढ़ियों को बताना राष्ट्र हित में ही है। यह कोई शक की बात नहीं
यह पार्क विदेशी सैलानियों को भी बहुत भाएगा और भारत का सम्मान भी विदेशों में बढ़ाएगा। तो अब आप जल्द ही खुद ही पार्क का भ्रमण करें और फिर मेरी बातों का विश्लेषण करें, और मुझे उम्मीद है कि आपको भी मेरी तरह दलित पर्यटन स्थल पसंद आएगा और आप भारतीय होने पर गर्व करेंगे। जय भीम, जय भारत, नमो बुद्धाय।